Assalamu alaikum dear students. Today is 10th of June 2021. This is class 7th, subject general science, and our today's topic is textual question 10, 11 and some additional questions which I have taken from the top lesson. Respiration in organisms. We have done it is questions up to question number 9. So today is the last class of this lesson, respiration in organisms. The question number 10 is, the mountaineers carry oxygen with them because जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले हैं माउंटेनियर्स जिनको हम कहते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं या जो भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं उन पे जो चढ़ने वाले हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स साथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसके लिए हमें चार ऑप्शंस दी गई है। इन चार ऑप्शंस में हमें अप्रोप्रिएट ढूंढनी है तो उसको हम टिक करेंगे। पहली ऑप्शन है, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर्स देयर इज नो एयर। पहली ऑप्शन इसने दी है कि माउंटेनियर्स क्यों अपने साथ ऑक्सीजन लेते हैं। जो पहली ऑप्शन ये है कि क्योंकि जब हम ऊपर चलेंगे 5 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर हम चलेंगे उसके बाद एयर नहीं है। पहली ऑप्शन यही है। क्या ये सही है कि 5 किलोमीटर जब हम ज़मीन की सतह से ऊपर एयर में 5 किलोमीटर जाएंगे तो 5 किलोमीटर अबो 5 किलोमीटर देयर इज़ नो एयर। पहली ऑप्शन यही है इसने दी है, शायद इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर से साथ लेते हैं। दूसरी ऑप्शन है, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। क्योंकि दूसरी ऑप्शन जो है, क्योंकि जितना हम ऊपर चलेंगे उतना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी ऑक्सीजन की लेवल कम होती चली जाती है। जितनी की ग्राउंड है ऊपर चले जाएंगे तो कम होती जाएगी, इसलिए लेते हैं। तीसरा है, द टेम्परेचर ऑफ एयर इज हायर देन ऑन द ग्राउंड क्योंकि ऊपर जब हम जाएंगे तो वहाँ एयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है बनस्पत ग्राउंड से। फोर्थ ऑप्शन इज द प्रेशर ऑफ एयर इज हायर, क्योंकि ऊपर हम जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए साथ लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऑप्शन है? ये भी इसकी सही ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, तो ये वाली ऑप्शन है। क्योंकि ऊपर जो ही हम ऊपर चले जाएंगे, जितना हम ऊपर चले जाएंगे कि ऑक्सीजन की लेवल जो है, ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, इसलिए और माउंटेनियर जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू ए पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ दो एग्जाम्पल दीजिए, हर एक की आप दो दो एग्जाम्पल दीजिए। पहली है, एनिमल्स दैट ब्रीद थ्रू गिल्स, ऐसे दो एनिमल्स की एग्जाम्पल हमें देनी है जो ब्रीदिंग करते हैं गिल्स से, जो ब्रीदिंग करते हैं गिल्स से। तो इसी तरह नंबर 2 है, एनिमल्स दैट ब्रीद थ्रू स्पाइरिकल्स, ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स का नाम हमें बताना है जो स्पाइरिकल्स के जरिए ब्रीदिंग करते हैं, जो कि वो इंसेक्ट्स होते हैं। तीसरा है, एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्किन, दो एनिमल्स का नाम हमें बताना है जो स्किन के जरिए ब्रीदिंग करते हैं। तो अब हम पहली वाली ऑप्शन पे जाएंगे, एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू गिल्स, वही सब कुछ कुछ गिल्स हो सकते, आज फिश बेगे फ्रॉग, इसी तरह एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स जो जरिए कुछ कुछ करें, चूंकि सपारी काल से इंसेक्ट है, मिसाल के तौर पर तुम पोर्मुत काक्रोच आंट, सो दीज आर टू इंसेक्ट्स विच ब्रीद थ्रू स्पाइरिकल्स। देन वी हैव थर्ड, एनिमल्स दैट ब्रीद थ्रू स्किन, स्किन के जरिए कौन कौन करता है हमने पढ़ा है, एक है अर्थवर्म और फ्रॉग, अर्थवर्म और फ्रॉग, तो ये दो एनिमल्स हैं जो स्किन के जरिए ब्रीदिंग करते हैं। फिर कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैंने इससे निकाले हैं, द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, जो इंसेक्ट की जो बॉडी में एयर ट्यूब्स होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है,
तो वो जिनके जरिए वो ऑक्सीजन तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, स्पाइरिकल्स कहते हैं, ट्राइकिया कहते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लग रहा है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि स्टोमेटा दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स, स्पाइरिकल्स आर द स्मॉल होल्स थ्रू विच एयर एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, व्हेयरएज द एयर ट्यूब्स आर कॉल्ड ट्राइकिया। देन क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर टू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है। काऊ ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मौजूदगी में फूड ब्रेक डाउन होता है। फ्रॉग भी है, बटरफ्लाई, लेकिन ये वाला है यीस्ट, ये एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में फूड ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के बगैर। तो ये यीस्ट जो है ये एक एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए ये अल्कोहल बनाने में इसका अहम रोल होता है। देन थर्ड पार्ट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर। हमने पढ़ा है कि इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो एक्सहेल्ड एयर है, यानी वो एयर जो हम बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या होती है, 0.4% होती है, 4.4% होता है, या 4.4% होता है, या 14.4% होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज एंड करेक्ट वन इज दिस 4.4%। सो वी कैन से दैट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर इज 4.4%। देन फोर्थ वन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वहां पर क्या बनता है, हमने पढ़ा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें एक तरह का एंड प्रोडक्ट बनता है, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है होती है उसमें दूसरे तरह के एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमें चार एंड प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनमें से कौन सा एंड प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट या ऑक्सीजन से बना, इथाइल अल्कोहल किन कार्बन डाइऑक्साइड से बना, कार्बोहाइड्रेट किन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड ऑक्सीजन, क्योंकि यीस्ट बना इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन हमारे पास फिफ्थ वाला है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश इज, जो फिश होती है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन होती है, गिल्स होता है, लंग्स होता है, या स्टोमेटा होता है। तो फिश में हमने पढ़ा है कि उसमें गिल्स होता है, उसमें गिल्स होता है। देन सिक्स्थ वन इज द मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मैन इज, इंसान जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मैन होता है जिसका अहम रोल होता है रेस्पिरेशन में वो कौन है, गिल्स है, स्टोमेटा है, लंग है, स्किन, क्योंकि गिल्स फिशेस में होता है, स्टोमेटा लीव्स में होता है, स्किन अर्थवर्म में होती है, तो अब कौन बच गया, लंग्स, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मैन इज लंग्स। देन सेवंथ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, जो हम ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, या एक्सक्रीशन कहते हैं, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, विच इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये आज इसके साथ ही आज हमारी ये लेसन कंप्लीट हो गई है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इंशाल्लाह हम कल से हम दूसरा लेसन कोई स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे लेसन हमारे सिलेबस में कौन है, तो कल हम वही लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, आप इसको